हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी जो स्टडीज है वो भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, है कि नहीं दोस्तों? तो चलो यार, आप लोग को पता ही है कि हमने आप सभी के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट किया है जिसमें हम आपको दोबारा से साइंस और मैथ सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जिसमें कंटिन्यूस हम मेहनत करके आपके लिए लगातार न्यू लेक्चर वीडियोस ला रहे हैं। और पूरा सिलेबस तो ऑलरेडी एक बार प्रेजेंट है, तो वो भी आप देख सकते हो। व्हाइट बोर्ड के सारे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और साथ ही में जब हमने डिजिटल बोर्ड लाया था पहले, तो उसमें भी बहुत सारे वीडियोस आपको रिविजन के या फिर जो RCC रिविजन क्रैश कोर्स के वीडियोस, चाहे वो एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन के वीडियोस, सभी आपको डिजिटल बोर्ड के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। लेकिन जब ये नया बोर्ड हमने लाया, डिजिटल बोर्ड एक और लिया आपके लिए, ताकि आपके लिए और क्वालिटी के साथ वीडियो बना सके, तो उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हमने बना दिए हैं। चैप्टर नंबर 5 8 स्टैंडर्ड मैथ्स का हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसके पहले के सारे चैप्टर हो चुके हैं और इसके आगे के भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। टेंशन मत लेना, आप चेकआउट करते रहो, क्या पता आपको पता चल गया होगा, ठीक है, मिल गया होगा। तो एक्सपेंशन ऑफ फॉर्मूले चैप्टर का नाम है। ऑलरेडी 3 लेक्चर बन गया है, आज 4th लेक्चर है। और चौथे लेक्चर में हम बात करने वाले हैं किसकी? एक और फॉर्मूले की, जो कि आपने शायद कभी नहीं सुना होगा, जो कि है a+b+c² अब ये है क्या, ये फॉर्मूला होता क्या है, कैसे इसको हम याद कर सकते हैं? और इसी के बेस पे जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जो कि है प्रैक्टिस सेट नंबर 5.4, सारे के सारे एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग हमारे साथ बने रहना एंड तक, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कंसेप्ट जो है हमारा, What do you mean by expansion of a+b+c² देखो हमने बहुत सारे फॉर्मूले देखे। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा x+a+x+b वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, वो x² + a+bx (a+a)(b). फिर हमने देखा a+b³ वाला फॉर्मूला, हमने देखा a-b³ वाला फॉर्मूला, और अब ये जो फॉर्मूला है a+b+c² का फॉर्मूला। तो मान लो कि ये मेरा फॉर्मूला है a+b+c², तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है a² + b² + c². कहीं पे भी इसको याद कैसे करना है, ये फॉर्मूले का वैल्यू को याद कैसे करना है, कि अगर आपको कहीं दिख गया कि सम टर्म समथिंग प्लस समथिंग ब्रैकेट में उसके ऊपर स्क्वायर लिखा है, तो समझ जाना उसका फॉर्मूला बनेगा, पहला टर्म ये ए बी सी, यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 times AB, यानी पहले दोनों को 2 times AB, फिर 2 times BC, फिर 2 times A और C। तो ऐसे याद रखना है। यानी कैसे याद रखोगे कि जो a+b+c यानी 3 टर्म है, उसका स्क्वायर अगर है तो इसका वैल्यू हो जाएगा पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर प्लस 2 times पहला दूसरा AB प्लस 2 times दूसरा तीसरा यानी BC और प्लस 2 times पहला और तीसरा यानी AC। तो इस प्रकार से आप फॉर्मूले को याद रख सकते हो और इसी के हेल्प से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत कोई परेशानी? उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल कैसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, थोड़ा सा मैं एक रेफरेंस के तौर पर बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो कि कुछ भी एग्जाम्पल आ सकता है, जैसे a+b+c है उसके जगह पे कुछ भी आ सकता है। मान लो आ सकता है x + y + 2z, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है ना, x + y + 2z का स्क्वायर। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको? यानी पहला x² + b 2y है, 2y का स्क्वायर प्लस c कौन है, 2z है, इसका स्क्वायर प्लस 2 times AB यानी a multiply by b यानी 2 multiply by a दैट इज x multiply by b यानी 2z, फिर प्लस 2 BC यानी 2 multiply by BC, b कौन है, 2y और 2z c है, तो 2y multiply by 2z, इसका भी मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, और प्लस AC है ना, 2 multiply by AC, तो 2 multiply by AC, a कितना है x, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय c कितना है 2z। तो इस प्रकार से आप इन सभी को सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी x² + 4y² + 4z² + तो ये हो जाएगा कितना, 2 multiply by 2 4xz प्लस ये हो जाएगा 8 y z प्लस ये हो जाएगा 2z, मतलब 4xz। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, बहुत इजी होता है, बस सॉल्व करते हो आपका आंसर आएगा। तो ये तो एक बेसिक अपने मन से मैंने एग्जांपल दिखाया कि देखो ऐसा होता है और इस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे हमने a+b³ देखा, a-b³ किया, क्या किया उसमें, जो फॉर्मूला था उसमें बस वैल्यू डाल दिया ABC का और उसके हिसाब से सिंप्लीफाई करते गए, आपका फाइनल आंसर निकल जाता है। उसी प्रकार ये करना है, बस दैट्स इट और कुछ नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम प्रैक्टिस सेट पे सीधा चलेंगे और इसके एग्जांपल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपको ज्यादा रियलिस्टिक वे में समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5.4, हमारा इस चैप्टर का आखिरी प्रैक्टिस सेट और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या नाम है चैप्टर का, प्रैक्टिस सेट 5.4 का पहला क्वेश्चन का क्या नाम है, एक्सपांड करो 2p+q+5 का स्क्वायर। अब एग्जाम में तो आपको सिर्फ यही नजर आने वाला है कि 2p+q+5 का होल स्क्वायर और आपको लिखा रहेगा एक्सपांड करो, तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। देखो ये a है,
प्लस बी है प्लस सी है, यानी तीन टर्म है अलग अलग, ये एक टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ, ये तीसरा टर्म हुआ, तो ये तीनों टर्म को प्लस करके इसका स्क्वायर है, मतलब ये दिखने में कैसा दिख रहा है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, यानी इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं यहां पे जो फॉर्मूला मेरा लगेगा, ऐसा लिखो यहां पे पहले, ठीक है ना, एक सेकेंड माफ करना, यहां पे देखना, एक सेकेंड रुक जाओ, यहां पे देखना, तो हम क्या बोलेंगे सबसे पहले, सबसे पहले मैं क्या बोल सकता हूं, हियर हियर ए इज इक्वल टू टू पी, बी इज इक्वल टू क्यू और सी इज इक्वल टू फाइव, तो उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि यहां पे जो फॉर्मूला लगेगा बच्चा वो क्या लगेगा, फॉर्मूला कैसे लगेगा, देखो ये a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, जो कि क्या है फॉर्मूला मेरा, फॉर्मूला अगर आपको कोई पूछता है तो फॉर्मूला क्या है बच्चा, ध्यान देना इस चीज को, समझो बहुत अच्छी तरीके से, समझ में आ जाएगा आप लोग को, ये मेरा जो फॉर्मूला है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है बच्चा, तो ये मेरा फॉर्मूला है, अब इसी में इस ए बी सी का वैल्यू उठा के डाल दूंगा और कैलकुलेट कर लूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा, देखो ध्यान से देखना इस चीज को, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोग, ठीक है, तो क्या रहा है, पहला क्या है ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर मतलब ए कौन है मेरा टू पी, यानी टू पी का स्क्वायर, प्लस अगला क्या है बी स्क्वायर, तो बी कौन है मेरे लिए क्यू, तो क्यू का स्क्वायर, समझ में आ रहा है बहुत ईजी है, प्लस सी स्क्वायर, तो सी कौन है मेरे लिए फाइव, तो ये फाइव का स्क्वायर, प्लस टू टाइम्स ए बी, यानी टू मल्टीप्लाई बाय ए इंटू बी, तो ए मेरा है टू पी, बी है मेरा कितना सी, सॉरी फाइव, सॉरी नहीं क्यू, ए बी है ना, ए बी कितना है क्यू है, माफ करना, ई मल्टीप्लाई बाय क्यू, ये पी है, प्लस टू ए बी हो गया टू बी सी, यानी टू मल्टीप्लाई बाय बी सी, बी कितना है क्यू, मल्टीप्लाई बाय सी कितना है फाइव, ठीक है हो गया, और प्लस टू मल्टीप्लाई बाय ए सी, तो टू मल्टीप्लाई बाय ए कितना है टू पी, मल्टीप्लाई बाय सी कितना है मेरे पास फाइव, मल्टीप्लाई बाय फाइव, तो इस तरीके से हमने सारे के सारे वैल्यूज को पुट कर दिया, यानी ए बी सी के वैल्यू जो थे वो इस फॉर्मूले में हमने पुट ऑन कर दिया, अब सॉल्व करूंगा, कैसे सॉल्व करूंगा, देखो यहाँ पे क्या होता है टू पी का स्क्वायर, तो टू का स्क्वायर होता है फोर, पी का स्क्वायर होता है पी स्क्वायर, यह है प्लस ये है क्यू स्क्वायर, सीधा आ जाएगा क्यू स्क्वायर, ये फाइव का स्क्वायर कितना होता है ट्वेंटी फाइव होता है, बराबर फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, प्लस ये टू मल्टीप्लाई बाय टू फोर हो जाएगा, और ये पी और क्यू, तो फोर पी क्यू हो गया, प्लस ये 2q मल्टीप्लाई बाय 5, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 हो जाता है, और ये q हो जाएगा साथ में, प्लस 2 टू 4 और 4 5 20, यानी हो जाएगा 20p, इसके आगे कुछ सॉल्व कर सकते हैं कि अगर आप ध्यान दोगे तो 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 25 प्लस 4pq प्लस 10q प्लस 20p, तो इसके आगे मुझे नहीं लगता कि कोई चीज ऐड हो सकती है या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकती है या फिर कुछ सिंप्लीफाई हो सकती है, तो यहां पे हमको स्टॉप कर देना है और यही बन जाएगा हमारा फाइनल आंसर, तो इस तरीके से ऐसे इजीएस्ट से इजी एग्जांपल, तो आपको ये दिखने में हार्ड लग रहा होगा जब हमने फॉर्मूला देखा कि अरे भाई कितना बड़ा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी, इतना लंबा छोटा फॉर्मूला है, आपको लग रहा था इनिशियली हार्ड लग रहा था, लेकिन अब जब हमने सॉल्व कर दिया तो मुश्किल से दो या तीन स्टेप के अंदर हमने हमारा आंसर को निकाल दिया, तो आप देख सकते हो कि ये एग्जांपल्स भी इजी होते हैं, बस नजरिए की बात है, आपको कंसेप्ट अगर पता है तो यू कैन सॉल्व ईच टाइप ऑफ एग्जांपल, एनी टाइप ऑफ एग्जांपल, समझ में आ गया, क्लियर है बच्चा, चलो शुरू करें अगले एग्जाम्पल को, यहां पर ध्यान देना बच्चा क्या है एग्जाम्पल, क्या है हमारे पास, देखो एम एन सॉरी एम प्लस टू एन प्लस थ्री आर, अब यहां पर इसको ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, इसको सी मान लेता हूं, तो हम लोग बोल सकते हैं हियर हियर ए इज इक्वल टू एम हो जाएगा, b इज इक्वल टू टू एन हो जाएगा और c इज इक्वल टू थ्री आर हो जाएगा, तो इसके हिसाब से मैं क्या बता सकता हूं कि मेरा जो फॉर्मूला यहां पे लगेगा बच्चा वो क्या लगेगा, फॉर्मूला क्या लगेगा, दैट इज अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माफ करना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, जो कि हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी, दिस इज द फॉर्मूला जो हमने लिख लिया, ठीक है समझ में आया फॉर्मूला, ओके ये तो आपको याद हो गया होगा अब तक पूरी उम्मीद करता हूं, अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया, अब इसमें अप्लाई करते हैं वैल्यू को, चलो वैल्यू अप्लाई करेंगे, वैल्यू क्या है हमारा ए का स्क्वायर यानी एम है, तो एम का स्क्वायर प्लस टू सॉरी बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है टू एन, तो टू एन का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो सी क्या है मेरे लिए थ्री आर, यानी थ्री आर का स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख दिया, फिर प्लस टू मल्टीप्लाई बाय ए बी, तो टू ए बी लिखो, तो टू मल्टीप्लाई बाय ए है एम, मल्टीप्लाई बाय बी कितना है टू एन, ठीक है ये हो जाएगा, फिर प्लस टू बी सी, तो बी सी कितना है बी है टू एन, ठीक है और सी है मेरा थ्री आर, ठीक है और लास्ट में है प्लस टू ए सी, तो टू ए सी कितना हो जाएगा टू मल्टीप्लाई बाय ए है मेरा एम और मल्टीप्लाई बाय सी मेरा कितना है थ्री आर, ठीक है दिख रहा है ये, उम्मीद करता हूं आपको ये विजिबल होगा, दिख रहा है कि नहीं थ्री आर, ठीक है ओके, अब यहां पे ध्यान दो इसको और एक्सपांड करेंगे हम लोग और आगे सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा ये एम स्क्वायर वैसे का वैसे ही प्लस ये टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर और एन का स्क्वायर हो जाएगा एन स्क्वायर, ये हो गया ठीक है, प्लस
ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये r का स्क्वायर r स्क्वायर हो गया, 9r स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्लस ये 2m मल्टीप्लाई बाय 2n, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 4 और m मल्टीप्लाई बाय n होता है mn, समझ में आया? ओके आगे बढ़ जाओ। अब इसकी बारी है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2n 4n, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12nr, तो ये हो जाएगा 12nr प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2m मल्टीप्लाई बाय 3r, तो नंबर नंबर मल्टीप्लाई करो तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, ठीक है 6, और ये m मल्टीप्लाई बाय r इज mr, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं क्या, चेक करो, एम स्क्वायर प्लस फोर एन स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, 4mn 12nr 6mr, इसके आगे और कोई वैल्यू हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो दैट्स इट, इसके आगे आंसर नहीं निकलेगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप खुद ही देख सकते हो कि ऐसे एग्जांपल कितने इजी होते हैं और कितना आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया तो कमेंट कर देना अच्छी तरीके से, हमको समझ में आएगा कि आप लोग को समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, ध्यान देना बच्चा इस एग्जांपल को समझो, क्या क्वेश्चन है, 3x प्लस 4y माइनस 5 है। अब यहां पे देखो माइनस आ गया, तो ये a है, ये b है, ये c है। अब देखो यहां पे जो आपको क्वेश्चन में जो माइनस आपको जो दिख रहा है, इससे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, जो यहां पे जो आपको माइनस वगैरह जो दिख रहा है ना, इससे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है बच्चा, जो वैल्यू है उसको सेम ले लो। तो हियर a इज इक्वल टू 3x, b इज इक्वल टू 4y और c जो है यहां पे मेरा ये क्या है, माइनस 5p, तो ये नेगेटिव जो वैल्यू है वो आपको ले लेना है। यानी कि यहां पे एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी होना चाहिए, लेकिन ये c जो है यहां पे नेगेटिव है, इसके लिए यहां पे हमने जो c का जो वैल्यू लिया है बच्चा, वो क्या लिया है, नेगेटिव लिया है। समझ में आ गया बच्चा, क्लियर है कि नहीं? तो माइनस 5p हमको लेना पड़ा इसके लिए। तो हम वो फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे वो तो हमारा सेम रहने वाला है, तो हमारा फॉर्मूला वही रहेगा, दैट इज नथिंग बट क्या, a प्लस बी प्लस सी दी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो तो वही रहने वाला है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी, ये तो वही रहने वाला है। लेकिन फर्क कहां पड़ेगा, ये c का वैल्यू निगेटिव आ गया, तो जहां पे c आएगा वहां पे डाल दो माइनस 5p, क्या दिक्कत है, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो यहां पे a स्क्वायर है पहले, तो a मतलब क्या है मेरे लिए 3x, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी मेरे लिए क्या है 4y, तो 4y का स्क्वायर, और प्लस सी स्क्वायर है, तो सी मेरे लिए क्या है माइनस 5p है और इसका स्क्वायर। समझा यहां पे क्या दिक्कत आया, दिक्कत भी नहीं है, मतलब स्टेप ही है वो, ठीक है। अगला है प्लस 2 टाइम्स ab, यानी 2 टाइम्स a मल्टीप्लाई बाय b करना है, तो a मतलब 3x मल्टीप्लाई बाय b, b कितना है 4y, तो ये हो गया 2ab प्लस 2bc, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय bc, b कितना है 4y, ठीक है 4y मल्टीप्लाई बाय c है मेरा माइनस 5p, ठीक है माइनस 5p, समझा? समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा? बहुत इजी है। अगला प्लस 2ac, a मेरा 2 मल्टीप्लाई बाय a मेरा है 3x और c मेरा है माइनस 5p, ठीक है इसको थोड़ा और शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है देखो यहां पे ये 3x मल्टीप्लाई बाय माइनस 5, क्लियर? यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा शिफ्ट कर दिया, वैसे भी ये वाला होमवर्क देने वाला, आप लोगों को टेंशन मत लो, ठीक है। चलो तो यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9, x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, y का स्क्वायर होता है y स्क्वायर प्लस माइनस 5 है, देखो इसके अंदर माइनस 5 है इसका स्क्वायर, तो माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 करोगे तो पॉजिटिव में ही आएगा, तो प्लस 25 ही आएगा, ठीक है 25 और p का स्क्वायर होता है p स्क्वायर प्लस ये देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 6 4 जा 24, ये तीनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस और ये प्लस के बीच में तीन नंबर है 2 3 और 4, तो 2 3 जा 6 और यहां तक 6 आया, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा तो 24 आ गया, ये तीनों को मल्टीप्लाई करके 24 आ गया और ये x और ये y यानी xy, ठीक है समझा? फिर वापस है प्लस, लिख दिया प्लस, फिर ये 2 है 4 है और माइनस 5 है, तो 2 4 जा 8 होता है, 2 4 जा 8 और 8 मल्टीप्लाई बाय 5 40 होता है, 8 5 जा 40, लेकिन ये है माइनस, तो प्लस और माइनस मिलकर क्या बनाते हैं, माइनस बनाएंगे, तो यहां पर आपको माइनस लिखना पड़ेगा बच्चा, तो यहां पे आ जाएगा 2 4 जा 8, 8 माइनस 5 जा माइनस 40, तो आपने लिख दिया माइनस 40, ठीक है। और ये y और p, तो लिख दो यहां पे y p, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे लिखा प्लस फिर से, फिर 2 3 जा 6 और 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5, 6 5 जा 30, लेकिन माइनस का साइन माइनस 30 आना चाहिए यहां पे, तो यहां पे प्लस नहीं आएगा, यहां पे भी आएगा माइनस 30 और ये x और ये p, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पूरा आंसर सॉल्व कर दिया, तो हमारा क्वेश्चन आंसर कितना आ गया बच्चा फाइनली, तो 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 25p स्क्वायर 24xy माइनस 40py या फिर yp बोल लो, या फिर माइनस सॉरी आगे माइनस 30xp, px लिखो या फिर xp लिखो, इधर yp लिखो या फिर py लिखो, बात एक ही है। इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ईजी होती है, ये खुद ही आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से सॉल्व करके दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होगा। समझ में आ गया बच्चा, क्लियर है?
क्लियर है यहां तक? ओके आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, करोगे ना, एक एग्जांपल मेरे लिए होमवर्क कर लेना बस। यहां पे कुछ नहीं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो यहां पे आपका ए का वैल्यू 7m ले लेना, बी का वैल्यू -3n ले लेना और सी का जो वैल्यू है -4k ले लेना और सेम फॉर्मूले में अप्लाई कर देना, जैसे मैंने किया यहां पे वैसे आएगा बस, और कुछ नहीं, तब की बात ही नहीं है। तो ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं एज ए होमवर्क। और क्या पिछला होमवर्क आपने किया कि नहीं, मैं कमेंट चेक करता हूं आप लोग का, तो फटाफट से होमवर्क करो और कमेंट करके बताओ कि आपने होमवर्क किया या नहीं किया और क्या आपका आंसर आया। आंसर कमेंट करना पॉसिबल होगा तो आंसर भी कमेंट करना, ठीक है? चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा? तो ये है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है? जैसे आपको याद होगा कि जब हमने ए प्लस बी होल क्यूब पढ़ा, उसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में ए माइनस बी होल क्यूब पढ़ा, एक सिंप्लीफाई का क्वेश्चन उसमें भी आया था जिसमें ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला भी लग रहा था और ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लग रहा था और दोनों को प्लस या फिर माइनस करने का वो क्वेश्चन आए थे। सेम उसी प्रकार है यहाँ पे, दो दो चीजें, एक ये ए बी सी यानी ए प्लस बी प्लस सी दी होल स्क्वायर, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा जो अभी अभी हमने पढ़ा, प्लस है बीच में, और यहां पे भी ए बी सी यानी ए प्लस बी प्लस सी दी होल स्क्वायर, यानी दो दो जगह एक ही क्वेश्चन के अंदर दो बार ए प्लस बी प्लस सी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा और उन सभी को वैल्यू को प्लस करना पड़ेगा, यानी बहुत लंबा चौड़ा आंसर आएगा इन शॉर्ट, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, चलो सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है। सेम तो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, उसी प्रकार देखो ए सेम है एक्स एक्स, बी मेरा सेम है, ठीक है, बी अलग है, हाँ आपको दो बार करना पड़ेगा। देखो यहां, देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे a प्लस बी अलग है, यहां पे a b c के वैल्यू अलग है, अगर ध्यान देना क्वेश्चन में, फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं कि हमने कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं किया, हाँ परफेक्ट है, ठीक है। तो यहां पे एक बार a प्लस बी, तो यहां पे जो मेरा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला तो सब जगह सेम ही लगने वाला है बच्चा, फॉर्मूला जो है वो तो आपको सेम ही लगने वाला है, जो कि क्या है फॉर्मूला आपका, दैट इज a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी। फॉर्मूला तो आपको सेम लगने वाला है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, ध्यान देना, ध्यान देना, अभी ध्यान देना, ये चीज को समझो क्या बोल रहा हूं। अब मेरा आंसर क्या आएगा, देखो ये जो क्वेश्चन है, मतलब ये जो पर्टिकुलर टर्म है ये वाला, इसमें मेरा ए प्लस बी प्लस सी दी होल स्क्वायर लगेगा, तो इसके हिसाब से ए स्क्वायर मतलब एक्स है मेरा, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आता है प्लस बी स्क्वायर, तो बी मेरे लिए कौन है, माइनस टू आई, तो माइनस टू आई का स्क्वायर। एक स्टेप बढ़ाना चाहते हो तो इस टर्म के लिए आप एबीसी का वैल्यू भी साथ में लिख सकते हो, लेकिन हमने एबीसी यहां पे लिख दिया ना, तो हमको पता है कि भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसके लिए, इस टर्म के लिए, समझा? तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया, प्लस सी स्क्वायर है फॉर्मूले में, तो प्लस सी स्क्वायर, सी मेरे लिए क्या है यहां पे, थ्री, तो थ्री का स्क्वायर हो गया। फिर प्लस टू टाइम्स ए बी, तो टू टाइम्स ए कौन है मेरे लिए, एक्स मल्टीप्लाई बाय बी, बी कौन है मेरे लिए, माइनस टू आई, तो टू टाइम्स ए बी हो गया। प्लस टू बी सी, तो टू बी सी मतलब टू मल्टीप्लाई बाय बी माइनस टू आई, और सी है मेरे लिए थ्री, टू बी सी हो गया। प्लस टू ए सी यानी टू मल्टीप्लाई बाय ए सी, ए कौन है एक्स और सी कौन है थ्री, ये हो गया इसका, यानी इस चीज को, इस पूरे टर्म को हमने सॉल्व कर दिया, इजी था, सॉल्व कर दिया, लेकिन भाई ये भी तो है, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा और वो भी उसी के आगे कंटिन्यू में, तो यहां पे बीच में है प्लस, तो यहां पे एक बड़ा सा प्लस लिख दो प्लस। अब इसकी बारी, अब इसकी बारी है, तो यहां पे आप देखोगे तो ये भी a है, b है, c है, यानी a प्लस बी प्लस सी दी होल स्क्वायर लगेगा, सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला लगेगा, देखो यहां पे भी सेम फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा इसके लिए x, मतलब a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2i का स्क्वायर, ठीक है, प्लस c स्क्वायर, c क्या है यहां पे, माइनस थ्री, तो माइनस थ्री का स्क्वायर, ठीक है। प्लस टू टाइम्स ए बी, टू टाइम्स ए बी, ए क्या है मेरे लिए x, मल्टीप्लाई बाय b है मेरे लिए 2i, ठीक है। ये थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है यहां पे, और थोड़ा बढ़ा लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत की बात है हमारे लिए नहीं है भाई, ठीक है, बढ़ा लिया स्पेस, चलो। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स AB प्लस हो गया 2 BC, तो 2 टाइम्स BC, B क्या है मेरे लिए 2i और C मेरे लिए है माइनस थ्री, ठीक है, और लास्ट में है प्लस 2 AC, A मेरे लिए है x और C मेरे लिए है माइनस थ्री। देखो इतना लंबा चौड़ा था, यहां तक पूरा बोर्ड मेरा खत्म हो गया, तब तक हमको सॉल्व करना पड़ा, समझ में आ गया क्या किया, एक बार इसको a प्लस बी प्लस सी दी होल स्क्वायर का यहां तक सॉल्व किया, ये इतना, ठीक है, ये पूरा इतना इसका हो गया, फिर प्लस है तो प्लस लिखा, और फिर इस वैल्यू को a प्लस बी दी होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व किया। अब सभी को एक साथ सॉल्व करेंगे, चलो ध्यान देना, ध्यान देना क्या हो रहा है यहां पर, कलर चेंज कर लू, चलो ध्यान देना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर कितना होता है, फोर ही होता है, और वाई का स्क्वायर होता है वाई स्क्वायर, प्लस थ्री का स्क्वायर कितना होता है नाइन लिख दिया, प्लस ये टू मल्टीप्लाई बाय एक्स कितना होता है टू एक्स, और टू एक्स मल्टीप्लाई बाय टू हो जाएगा माइनस फोर, ये माइनस टू है ना, तो माइनस टू मल्टीप्लाई बाय टू कितना होता है माइनस फोर होता है, तो यहां पे वैल्यू आएगा माइनस फोर, और ये एक्स और वाई यानी माइनस फोर एक्स वाई, ठीक है। बीच में यहां पे प्लस, तो लिख दिया प्लस,
ये 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 माइनस 4, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी माइनस 12, तो यहां पे भी आएगा माइनस, तो यहां पे भी लिखो माइनस 12 और ये y अकेला है ना यहां पे और कुछ है नहीं, तो माइनस 12 y, ठीक है। फिर यहां पे 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x और 2x मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 6x, तो यहां पे प्लस आएगा, नेगेटिव नहीं है यहां पे, तो प्लस 6x। यहां तक समझा? ओके, अब ये बड़ा वाला प्लस तो है ही हमारे पास, उसके आगे देखो ये x का स्क्वायर है, तो इसको तो मैं लिखूंगा वैसे ही वैसे, दैट इज x स्क्वायर, ठीक है। प्लस ये 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये y स्क्वायर। फिर ये प्लस माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, तो पॉजिटिव ही रहेगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 इज 9, तो ये पॉजिटिव 9 ही आएगा। प्लस ये 2x मल्टीप्लाई बाय 2y, तो 2x मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और ये xy, यानी पॉजिटिव में 4xy आ गया, ठीक है। फिर यहां पे आप देखो ये 3 है, 3 ये 3 है हमारा, दिख रहा है, तो ये हो गया 4xy हो गया। फिर ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 3 इज माइनस 12, तो ये हो जाएगा माइनस 12y। फिर लास्ट में हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 माइनस 6x, तो ये हो जाएगा लास्ट वाला माइनस 6x। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे एग्जाम्पल को जो भी ये करना था, मतलब मल्टीप्लीकेशन करना था, वो हमने कर दिया। तो ये आ गया दूसरा स्टेप। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है आपको, ये चेक करना है। तीसरे स्टेप में ध्यान देना बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरे स्टेप में आप क्या चेक करोगे कि क्या कोई वैल्यू ऐड हो रही है या फिर क्या कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है क्या, तो एक एक करके देखेंगे। यहां पे देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, दोनों क्या हो रहे हैं, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक एक्स, ये एक्स, 2x स्क्वायर हो गया, मतलब 2x स्क्वायर। फिर देखो ये प्लस 4y स्क्वायर है, ये भी प्लस 4y स्क्वायर है, यानी ये प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो प्लस 8y स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये प्लस 9 है, ये प्लस 9 है, तो 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा बच्चा, ये 9 और ये 9 मिलके क्या हो गया, दोनों मिला के 18 हो जाएंगे, तो प्लस 18 हो गया। अगर आप यहां देखोगे तो ये हो जाएगा माइनस 4xy, ये माइनस 4xy है और ये आपका प्लस 4xy, तो प्लस 4xy माइनस 4xy क्या हो जाते हैं बच्चा, कैंसल हो जाते हैं, मतलब इसका काम भी खत्म हो गया। माइनस 12y है, यहां पे माइनस 12y है भाई, माइनस माइनस कितना होता है यहां पे, प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 24, लेकिन माइनस का सिंबल आएगा, तो यानी माइनस 24y, तो इसका काम भी खत्म। और लास्ट में है ये प्लस 6x, यहां पे माइनस 6x, तो प्लस 6x माइनस 6x कैंसिल, दैट्स इट। इसके आगे इस कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। अगर आप इसको सीधा करना चाहते हो, यानी इसको आप प्रॉपर डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहते हो, डेसिमल नहीं माफ करना, इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 18 भी आप लिख सकते हो। या तो ये आंसर लिखो या तो ये आंसर लिखो, बात दोनों का एक ही है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर दिया। तो 2x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 18 माइनस 24y, ये क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, आगे पीछे कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ गया है बच्चा, क्लियर है, ओके, दैट्स इट। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये एक एग्जांपल है, क्या आप इसको मेरे लिए कर सकते हो होमवर्क के तौर पे, क्योंकि एक दो ही था ना, तो एक मैंने करा दिया कि कैसे करना है, अब इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं होमवर्क के तौर पे, प्लीज इसको करना, ठीक है ना बच्चा। देखो ये इतना हार्ड वर्क जो हमने किया है इस लेक्चर में, इस पूरे चैप्टर में, वो इसीलिए किया है ताकि आप भी हमारी तरह बिना देखे इस चीज को सॉल्व कर पाओ, और एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप लोग का प्रैक्टिस इतना स्ट्रांग रहे कि आप लोग वहां पे भी आसानी से कर पाओ। एंड दैट्स वाई मैं एक एक एग्जाम्पल छोड़ता हूं हर टाइप के एग्जाम्पल में से, ताकि मैं आप लोग को बोल सकूं देखो मैंने तो सॉल्व करके समझा दिया, अब आपकी बारी है भाई इसको सॉल्व करके देखो, जहां फंस रहे हो देख लो कहीं पे, सॉल्यूशन आपके पास तो होंगे ही, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन यहां पे मुझे बुरी उम्मीद है कि आप लोग हमारे लिए इसको सॉल्व करके दिखा सकते हो, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ऐसे होमवर्क ले लो। तो इसी के साथ ये पूरा प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर जिसका नाम है हमारा जो 8 स्टैंडर्ड का मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 है, एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्मूले, एक्सपेंशन ऑफ फॉर्मूले माफ करना, तो ये हमारा कंप्लीट होता है। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ऐसे और भी वीडियोस हम लाएंगे आगे के चैप्टर्स के जो भी होंगे, तो आप लोग बस हमारे साथ कनेक्टेड रहना, बने रहना और प्यार देते रहना। तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो ये चैप्टर आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करना, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना दोस्तों और शेयर करना। मैं चाहता हूं कि आप सभी दोस्तों को बताओ कि राहुल सर इतना मेहनत करके दोबारा से आपके लिए मेहनत करके वीडियोस बना रहे हैं, और वो भी नए डिजिटल बोर्ड पे आपके लिए स्पेशली वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आप लोगों का क्वालिटी हम अपग्रेड कर सकें, वीडियोस की क्वालिटी बढ़ा सकें। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, और पहली बार चैनल पे आए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाजू में जो बेल आइकन होता है उसको ऑल पे सेट कर देना ताकि जब भी कोई वीडियोस अपलोड होंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।